गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सभी बच्चे का अटेंडेंस बन गया, और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोटिस दे दूँ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम जब होगा वो 2 जुलाई से होने वाला है, तो एग्ज़ाम में सभी बच्चे को अपीयर होना है, सभी बच्चे को रहना है एग्ज़ाम में, ओके। और एग्ज़ाम जो होगा तो इसकी जानकारी भी आप सभी बच्चे एक दूसरे को बता दीजिए, यानी कि जो भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, आपके आस पड़ोस होंगे या आपके जान पहचान वाले होंगे, जो कि आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं, यानी कि आपके साथ पढ़ने वाले भी बच्चे हों या दूसरे कोई बच्चे हों लेकिन आप ही के स्कूल में पढ़ते हो, आप उनको ज़रूर बताइए, एक दूसरे बच्चे को बता दीजिए। और आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपका जो व्हाट्सअप नंबर है ना, व्हाट्सअप नंबर समझते हैं ना, व्हाट्सअप आजकल सभी जान रहे हैं कि मोबाइल में व्हाट्सअप एक ऐप होता है, तो आपके पेरेंट्स से ये बात मैं कह रही हूँ, आपके पेरेंट्स तो आपके साथ ही होंगे वीडियो जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम, है ना, जैसे अपने बच्चों का नाम ऐसे लिख दीजिएगा, नेम, अपने बच्चों का नाम लिखिएगा, फिर क्लास, है ना, अपना क्लास UKG, जैसे जो बच्चे LKG में थे तो वही अभी UKG में आए हैं, एग्ज़ाम भले ना हुआ हो लेकिन वो बच्चे UKG में आ गए, ऐसे भी आने वाले थे एग्ज़ाम के बाद, तो उनका फाइनल एग्ज़ाम नहीं है तो, लेकिन वो UKG में आ चुके हैं, तो बच्चों का, अपने बच्चे का नाम, फिर उनका क्या कहते हैं क्लास, और फादर्स नेम, यानी कि आप अपना नाम इस तरीके से, यानी कि अपने बच्चे का नाम, फिर उनका क्लास UKG, और आप अपना नाम लिखकर अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ओके। क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं, नहीं कर सकते हैं ये काम, आप पेरेंट्स खुद कर दीजिए, है ना। तो जो मम्मी है वो अपने, मतलब अपने बच्चे का नाम लिखेंगी और अपने हस्बैंड का नाम लिख के और बच्चे का क्लास लिख के सेंड कर देंगी, है ना। चाहे वो आप अपना व्हाट्सअप भी दे सकती हैं या अपने हस्बैंड का भी दे सकते, जो मम्मी लोग हैं तो पापा या मम्मी बच्चे, है ना, आप अपने अपने बच्चों का नाम लिख के अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दीजिए अविनाश सर के नंबर पे। ये काम सभी पेरेंट्स कर दें तो अच्छा रहेगा, ताकि जो आपको, आपके बच्चे के एग्ज़ाम होगा तो वो एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या कहते हैं, मोबाइल पे ही होगा, उसके लिए व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ जाएगा और उस क्वेश्चन के तहत आप अपने बच्चों को आंसर लिखकर उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा। उसकी टाइमिंग है सुबह, एक एग्ज़ाम जो होगा 2 सेटिंग में होगा, सुबह 6 से 9, उसके बाद रात में 7 से, यानी कि शाम में 7 से 9 एग्ज़ाम होगा, ओके। एक दिन में ही सारे पेपर हो जाएंगे, 1-1 घंटा का पेपर होगा, ओके, सारे पेपर हो जाएंगे और इस तरीके से एग्ज़ाम होगा आप सभी का। तो एग्ज़ाम अच्छे से बच्चे को दिलाइएगा, बच्चे को अच्छे से जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से समझाने, बच्चे लोग तो ऐसे भी समझदार होते ही हैं, वो रिवीजन कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, और एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए सभी को, तो जाहिर है एग्ज़ाम में तो सभी को अपीयर होना है, सभी को प्रेजेंट रहना है, और एग्ज़ाम वही बच्चे अच्छे से लिख पाएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही बच्चे लिख पाएंगे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी बच्चे आप बता दीजिएगा अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, तो वो सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास करने लगेंगे तो पढ़ाई उनकी आसान हो जाएगी, तो एग्ज़ाम देना भी उनके लिए ईजी पड़ेगा। और हाँ, पेरेंट्स से और रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे एग्ज़ाम आपके दें तो आप उनका गाइडेंस उस वक्त करें, उस समय करें, है ना। बच्चों को आंसर नहीं बताइए, बस क्वेश्चन समझा दीजिएगा। वैसे हम लोग भी क्वेश्चन समझा देंगे, बट आप उनके सामने होंगे तो आप बच्चे को समझा दीजिएगा और बता दीजिए, लिखने पहले ही से आप उनको तरीका बता दीजिएगा लिखने का कि इस तरीके से आप लिखिए। उनको एग्ज़ाम के समय आंसर नहीं बताइएगा और ना ही उनको चीटिंग करने का मौका दीजिएगा, ओके। ये काम सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कैसा करें, बच्चे ईमानदारी से एग्ज़ाम दें, उनके लिए ही फ़ायदा है, ताकि वो बिना देखे लिखेंगे तभी तो हम जांच पाएंगे कि वो सही, मतलब वो कितना उन्होंने अपने, मतलब लर्निंग किया, सीखा, कितना उन्होंने गेन किया, ये बात हमें पता चल जाएगी। और आप भी जान जाइएगा कि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कितना वो सीख पा रहे हैं, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में नहीं। ये काम सभी पेरेंट्स करेंगे। और आपको जो है, जो एग्ज़ाम देना है वो ऐसे पेज में देना है, ऐसे पेज में देना है एग्ज़ाम, ओके। इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं, ऐसी नोटबुक, इतनी लंबी वाली, इनके रजिस्टर वाली नोटबुक खरीद सकते हैं या ऐसे पेज आप खरीद लीजिए। नोटबुक खरीद सकते हैं तो नोटबुक खरीद लीजिए, इतना लंबा पेज वाला, या फिर आप सिर्फ पेजेस ले सकते हैं तो पेजेस भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, आपको इसी में एग्ज़ाम देने हैं, है ना। और लाइन छोड़ के नहीं लिखना है, बस नीट एंड क्लीन लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है,
छोटे बच्चे खास करके ध्यान दें राइटिंग पे, और आप लोग अच्छे से, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो भी है बस अच्छे से लिखिएगा और समझ समझ के लिखिएगा। बहुत ईजी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप तो खुद पढ़ रहे भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। क्लियर? तो पहले तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हैं। नंबर तो सेंड कर दीजिए अविनाश सर को, अपना अपना व्हाट्सअप नंबर, और दूसरों को भी बता दीजिए जो भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो आपके क्लास के हों या अदर दूसरे क्लास के हों, सभी बच्चों को बता दीजिए जिनको आप जानते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हों, या फिर आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे हों, आप सभी बच्चे को बता दीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज की हम प्राइस शुरू करते हैं। मैं इसे वाइप करती हूँ। आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि कल मैंने, आप पहले तो EVS की नोटबुक ओपन कीजिए, और नोटबुक ओपन कर ली हैं आप सभी बच्चे तो लिखने का तरीका भी पता है कि अगर उस पेज में जगह बच रहा है, कल वाले पेज में लाइन बच रही है तो उसी पेज में लिखिए, अगर नहीं बच रही है तो न्यू पेज से लिखना शुरू कीजिएगा। ओके, न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखते हैं और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखते हैं, और हाफ पेज वाले बच्चे लाइन पहले खींच लेते हैं और सभी चीज़ को लाइन पर लिखते हैं। ओके, ये काम तो करते हैं। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि जो हम लोग एक्टिविटी आजकल कर रहे हैं तो वो क्या था, कम्युनिटी हेल्पर था, यानी कि हेल्पर्स नेम हमने कल लिखाया था, 15 हेल्पर्स नेम मैंने लिखाया था, 15-16। तो आप सभी बच्चे से मैंने कहा था कि उसे आप 2 times या 1 times लिखिएगा खुद से, 1 time तो पहले नोट करना था बोर्ड पे से, है ना, उसके बाद 2 times या 1 time आपके नोटबुक में जितना स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंग लिखना था। और मैंने कहा था लिखने के बाद आपको याद भी करना है, तो आपका होमवर्क था डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, तो आपने अच्छे से लिखा होगा और याद आप अपने पेरेंट्स को करके ज़रूर सुनाए होंगे, या जो भी आपके स्टडी में है, आपकी हेल्प करते हैं, आपको पढ़ाते हैं घर पे, उनको आप सुनाए होंगे। सभी बच्चे ये काम करेंगे, और आज भी मैं कम्युनिटी हेल्पर ही दूंगी, हेल्पर्स नेम ही मैं दूंगी। बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, कुछ का मैंने कल नाम लिखाया था, कुछ का आज लिखाऊंगी, कम से कम 30 तो कंप्लीट कर दूंगी, 30 कंप्लीट कर दूंगी। जैसे मैंने कम्युनिटी प्लेसेस के बारे में लिखाया था, नेबरहुड प्लेसेस के बारे में लिखाया था, उसी तरीके से आज हेल्पर्स भी लिखाऊंगी, तो 30 कम से कम लिखा दूंगी जिसको आपको जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी है भी आपको। हो सकता है उस वर्ड का आप इस्तेमाल बोलने में करते होंगे बट स्पेलिंग ना पता हो आपको, या उनका यूज़ ना पता हो, या वो हमारे किस काम आते ये नहीं पता हो, इसीलिए मैं कम से कम 30 तो लिखा दूंगी। कल 16 या 15 लिखाया था, आज बाकी लिखाऊंगी। तो आप सभी बच्चे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग डेट डालिए, उसके बाद क्या लिखिएगा, रिमेंबर, है ना, REMEMBER, रिमेंबर। उसके बाद आपको हेडिंग क्या लिखना है, राइट द हेल्पर्स नेम, है ना, राइट द हेल्पर्स नेम। अब हम लिखना शुरू करते हैं, 1-2 ही डालेंगे, है ना, ये नहीं कि 16 के बाद 17 या 15 के बाद 16, ऐसा नहीं, 1-2 ही डालेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे आज SOLDIER, शोल्डर, जिसको सोल्जर बोलते हैं, बाद में समझा दूंगी सबका क्या काम है, POTTER, पोर्टर, PAINTER, पेंटर, CHEF, शेफ, MILKMAN, मिल्कमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन, MASON, मेसन, DRIVER, ड्राइवर, है ना, जैसे शोल्डर है SOLDIER, शोल्डर, जिसको जवान बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं, है ना, जैसे पुलिसमैन होते हैं, पुलिस अफसर होते हैं, उसी तरीके से शोल्डर सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, जो कि सरहद पे रहते हैं, सरहद समझते हैं, यानी कि हमारे जो देश है उसके बॉर्डर पे रहते हैं, या अदर कंट्री के भी शोल्डर होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। पुलिस तो कानून की रक्षा करता है, उसी तरीके से वो भी कानून को ही फॉलो करते हैं, बट पुलिस पब्लिक की रक्षा करता है। अब वो लोग क्या करते हैं, पुलिस एरिया वाइज होते हैं पुलिसमैन, अब वो सोल्जर जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, जवान होते हैं, वो पूरे देश के लिए होते हैं, यानी कि पूरे देशवासी देश की चीज़ों की रक्षा करते हैं।
उसके बाद है पॉटर, POTTER, पॉटर। पॉटर मींस होता है कुम्हार, यानी कि जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी से चीज़ बनाता है, जैसे गुलदस्ता बनाता है, गमला बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे बोलते हैं पॉटर। ओके, उसके बाद है पेंटर, PAINTER, पेंटर, रंगाई पोताई करने वाला, जैसे घर को रंगने वाला या फिर कोई भी सीन सीनरी है उसे बनाने वाला, उसे भी पेंटर ही कहते हैं। उसके बाद है शेप, CHEF, शेफ। शेफ मीन्स होता है रसोईया, प्रधान रसोईया, जो मुख होता है, बहुत ही फेमस होता है, जिन्हें जो खाने बनाने के साथ साथ अपनी बुक्स भी लिखता है, खाने की रेसिपीज, उसे शेफ बोला जाता है। उसके बाद एक होता है कुक, कुक मीन्स रसोईया, बावर्ची। ओके, वो सिर्फ खाना पकाता है, लेकिन शेफ जो होता है वो खाने बनाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपने रेसिपी भी लिखते हैं अपनी बुक्स में। मिल्कमैन, MILKMAN, मैन। मिल्कमैन मीन्स दूध बेचने वाला, ग्वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, दूध बेचने वाली, या वुमेन होगा तो दूध बेचने वाली, और मिल्कमैन है तो दूध बेचने वाला, ग्वाला। उसके बाद है वॉशरमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन मीन्स धोबी, जो हमारे कपड़े धोता है और हमारे कपड़े को इस्त्री करता है, आयरन करता है। उसके बाद है मेसन, MASON, मेसन मीन्स राजमिस्त्री, ये क्या करता है, हमारे घर को बनाता है, ईंट को जोड़ता है और उसके बाद छत डालता है। उसके बाद है ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर मीन्स होता है चालक, गाड़ी चलाने वाला, है ना। ड्राइवर भी होते हैं, जैसे आप सभी छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, गाड़ी से आते हैं, अगर स्कूल की गाड़ी रहती है तो स्कूल की गाड़ी से आते हैं, तो उनके लिए ड्राइवर होते हैं ना, तो ड्राइवर स्कूल से बच्चे को घर लाते हैं और घर से स्कूल पे ड्रॉप करते हैं, तो ये काम ड्राइवर का होता है। इस तरीके से आप सभी बच्चे शोल्डर, पॉटर, पेंटर, शेफ, मिल्कमैन, वॉशरमैन, मेसन, ड्राइवर लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बोर्ड पे से। नोट करने के बाद स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा, टू टाइम्स लाइन खींचिएगा, वन टाइम तो बोर्ड पे से नोट कीजिएगा, और टू टाइम्स खुद से पढ़ पढ़ के, SOLDIER, है ना, शोल्डर, फिर SOLDIER, शोल्डर, है ना, इसी तरीके से शोल्डर लिख दीजिएगा। ओके, टू टाइम्स खुद से लिखेगा तो टोटल 3 times हो जाएगा, आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग लिख देगा। फिर से एक बार पढ़कर सुना बता दूँ, SOLDIER, शोल्डर, POTTER, पॉटर, PAINTER, पेंटर, SHEF, शेफ, MILKMAN, मैन, मिल्कमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन, MASON, मेसन, उसके बाद DRIVER, ड्राइवर। ये वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। उसके बाद क्या कीजिएगा, स्केल की हेल्प से पहले सारा नोट कर लीजिए, उसके बाद स्केल की हेल्प से टू टाइम्स या वन टाइम, जितना आपके नोटबुक में स्पेस है, जगह है, लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद जितना टाइम सरता है उतना टाइम खुद से लिखिएगा, पढ़ पढ़ के लिखिएगा। और दूसरी बात ये कि हाँ, ये भी है कि जो हाफ पेज से लिख रहे हैं, जितना अटता लिखिए, नहीं अटता तो फिर आप वो बच्चे क्या करेंगे, न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं, एक पेज में जितना अटता है अटाइए, नहीं अटता है तो फिर वो भी दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे। मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं वाइप कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट लिखाऊंगी। एट तक मैंने लिखाया है, 9 नंबर है डेंटिस्ट, DENTIST, डेंटिस्ट। 10 नंबर MECHANIC, मैकेनिक। 11 ACHITECT, आर्किटेक्ट। 12 है वॉचमैन, WATCHMAN, वॉचमैन। 13 गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। 14 बेकर, BAKER, बेकर। 15 LAWYER, डॉयर। 16 फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट, है ना। ये टोटल 16 ही आज मैंने रहने लिखी है ना।
कल शायद 15-16 ही लिखाई थी, आज भी 16 हो गया तो टोटल 32 हो जाएगा। तो उतने नाम आप जानते ही हैं और जानना भी चाहिए, इससे ज़्यादा भी होते हैं बट इतना ही रहने देते हैं। मैं पढ़ के समझा दूँ, DENTIST डेंटिस्ट, डेंटिस्ट होता है जिसको जो दांत का है ना डॉक्टर होता है ना, जैसे डॉक्टर होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग डॉक्टर होता है। कोई गायनोकोलॉजिस्ट होती है जो कि मतलब फीमेल होती है, और मेल भी होते हैं जो कि हमारे क्या होती है लेडीज़ के लिए या फिर वो पेट से रिलेटेड चीज़ों को क्या करती है वो इलाज करती हैं फीमेल के, है ना। ज़्यादातर आप जाइएगा सीनियर में तो क्लासेस में पढ़िएगा, डेंटिस्ट है दांत के लिए अलग डॉक्टर होता है, न्यूरोलॉजिस्ट जो माइंड के लिए अलग होता है, बोन्स स्पेशलिस्ट होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है। उसी तरीके से जैसे डेंटिस्ट हैं या फिर डॉक्टर अलग अलग चीज़ों के लिए डॉक्टर हैं, उसी तरीके से क्या है एक जैसे जानवर होते हैं एनिमल होते हैं उनके लिए भी डॉक्टर होता है, उनको बोलते हैं वेट, है ना, VET वेट, वेट मीन्स पशु चिकित्सक, समझ रहे हैं ना, पशु चिकित्सक वो होते हैं। ओके, उसके बाद है MECHANIC मैकेनिक, मैकेनिक वो होता है जैसे चीज़ों को सही करता है, बनाता है, चाहे वो गाड़ी बनाने वाला उसे भी मैकेनिक बोलते हैं, मिस्त्री या फिर इलेक्ट्रिक कामों को करने वाला उसे भी मैकेनिक बोलते हैं, या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है ख़राब हो जाता है तो उसे हम बनाने को देते हैं तो वो भी मैकेनिक ही करता है। उसके बाद है आर्किटेक्ट, ARCHITECT आर्किटेक्ट, यानी कि शिल्पकार जो कि हमारे घरों का नक्शा चित्र तैयार करता है बनाता है। उसके बाद है वॉचमैन, WATCHMAN वॉचमैन, वॉचमैन मिस होता है यानी कि जो वॉचमैन यानी कि रखवाली करने वाला घरों को, है ना। वॉचमैन अक्सर बड़े बड़े सोसाइटी में होता है, स्कूल कॉलेजेस है ना मॉल वगैरह में वॉचमैन होते हैं, तो ये भी हेल्पर्स हो गए। उसके बाद है गार्डनर, GARDENER गार्डनर मिस माली, जो कि गार्डन की रखवाली करता है ना, पेड़ पौधों की रखवाली करता है, उन्हें समय समय पर पानी देता है, उसमें खाद डालता है और उन्हें जो कटाई की जो ज़रूरत पड़ती है तो काटता है। उसके बाद है बेकर, BAKER बेकर, बेकर मीन्स बेकरी में जो काम करते हैं, बेकरी की सामान को बेचते हैं, उन्हें बेकर बोलते हैं। उसके बाद है लॉयर, WALAWYER लॉयर, लॉयर मीन्स ये क्या कहते हैं वकील जिसको बोलते हैं, उसको एडवोकेट भी बोला जाता है, जो कि कानून से रिलेटेड हमारे लिए केस को लड़ता है। ओके, उसके बाद है फ्लोरिस्ट, FLORIST फ्लोरिस्ट मीन्स फूल बेचने वाला, है ना। जैसे शादी होती है हमारे घर में, कोई पार्टी होता है तो हम अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, स्टेज बनवाते हैं या बहुत ऐसे काम करते हैं फूल के। जनरली लड़कियां लोग क्या करती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, जेवर फूल के बनवा के, तो वो कौन बेचता है, फ्लोरिस्ट बेचता है। इसी तरीके से और भी होते हैं जैसे नर्स है, तो बहुत ऐसी नर्स भी होती है, नर्स भी हम उन्हें बोल सकते हैं या पैरामेडिक भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि चिकित्सा सहायता देने वाले लोग उनको भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बिल्डर होते हैं, है ना, पायलट होते हैं, और क्या कहते हैं ये भी हो, और क्या कहते हैं जज होते हैं, है ना, या फिर आप इनको और भी बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, जिस तरीके से जैसे लाइफ गार्ड होते हैं, वेटर होते हैं, है ना, ट्रैश कलेक्टर होते हैं, सैनिटरी वर्कर होते हैं, है ना, इस तरीके से बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं जो कि हमें तरह तरह के कामों में हमारी मदद करते हैं, इस तरीके का। तो मैंने कल लिखाया था कुछ और आज भी कुछ नाम लिखा दिया है, आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में इसे नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद तो पता ही है, वन टाइम बोर्ड पे से नोट कीजिए, उसके बाद स्केल की हेल्प से लाइन कीजिए और वन या टू टाइम्स लाइन खींचिए और आपके बुक में जितना स्पेस है, आई थिंक दो बार तो अट ही जाएगा। वन टाइम खुद से नोट कीजिएगा, मतलब बोर्ड से नोट कीजिएगा, टू टाइम्स खुद से लिख लीजिएगा, थ्री टाइम्स तो आपके नोटबुक में डेफिनेटली आ ही जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा वर्ड है आराम से आ जाएगा। आप सभी बच्चे अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखने के बाद इसे याद कीजिएगा, याद करके सुनाइएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक से पढ़ो और नोटबुक में लिखो, ये आपका होमवर्क है, इसी चीज़ को आप याद कीजिएगा। जिन बच्चे को कल वाला नहीं याद है वो कल वाला भी याद कर ले, आप लोगों के पास समय ही समय है, अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा। ओके, सभी बच्चे याद ज़रूर कीजिएगा। और एग्ज़ाम के बारे में आप ध्यान रखिए, पेज खरीद लीजिए, नहीं तो जिस्ता वाला पेज खरीद लीजिए, नहीं तो रजिस्टर वाला, जिस्ता वाला ही नोटबुक आता है इतना बड़ा वाला, तो वो भी खरीद सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सब चीज़ की तैयारी पहले से रखिए, व्हाट्सअप नंबर अपना अपना पेरेंट्स को बोल के सेंड करवा दीजिए अविनाश सर के नंबर पे। और दूसरी बात ये है कि दूसरे बच्चों को भी आप बता दीजिए, भले वो आपके क्लासमेट्स हों या फिर आपके स्कूल मेट्स हों, यानी कि कोई आपके आस पड़ोस होगा ना स्कूल में पढ़ने वाला आपके, तो उनको भी ये बात बता दीजिए कि आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो आपका इतना ही है, आज मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, इस चीज़ को अच्छे से याद कीजिएगा। और आज का गुड हैबिट टिप है, क्लास के एंड में जैसे मैं रोज़ देती हूँ, तो उसी तरीके से आज का भी गुड हैबिट टिप है, वो है
जो चीज़ मैं दे चुकी हूँ उसी चीज़ को फिर से रिवाइज कर रही हूँ, फिर से रिकॉल कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, ओके, ताकि सभी बच्चे जो कि पहले बार में प्रेजेंट नहीं थे क्लास में या फिर हो सकता है उस बात को भूल गए हों, तो बार बार बताने से आप सभी बच्चे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो स्टेइंग हेल्दी के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे यानी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखिए, ऐसे उठते ही होंगे आप सभी सुबह, लेकिन खास करके ध्यान दीजिए अच्छे हेल्थ के लिए। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो है, पहला स्टेप है सुबह सवेरे उठने का। तो ये काम सभी बच्चे कीजिए, दूसरों को भी बताइए। तो आपका क्या है गुड हैबिट टिप, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस बात का आप सभी बच्चे ख्याल रखें, फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं। और होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।